मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के 10 बज गए हैं और मेरी मशीन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। पिछली बारी करती थी पर मैंने कपड़े धो लिए थे, तो मैं पापा से मशीन ठीक करवा रही हूँ क्योंकि जिस मशीन में कपड़े धुलते हैं उसका पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। तो मैंने पापा से बोला तो मशीन खोल रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई और कैसे वो ठीक कर रहे हैं। तो देखिए पापा जी मशीन ठीक कर रहे हैं, अभी खोल रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है जो पानी नहीं निकल रहा। ये है प्रॉब्लम। अच्छा, क्या ये देख, ये कटा हुआ है, ये देख यहाँ से खिंचता है ये। अच्छा, देखिए डोरी कट गई है, फीता हट गया है, इस वजह से हमारी मशीन का पानी बाहर नहीं निकल रहा। ये रहा ये पंगा हो गया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... तो देखिएगा ये रस्सी टूट गई है, तो अब देखिए पापा जी क्या जुगाड़ करेंगे इसका, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो फिर दिक्कत होगी हमें। इसको जुगाड़ कर रहे हैं कि इसे सेफ्टी पिन लगाएंगे, सेफ्टी पिन उससे फंसा के अब देखो कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. मशीन लगा दी है, अभी देखिए कपड़े डाल दिया है मैंने, तो हमारा काम जुगाड़ एकदम सही हो गया, इसमें मिशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। लंच बन गया है और बच्चे भी आ गए, और आज हमारा लंच किसने बनाया, गुड्डा दीदी ने, मालती दीदी के यहाँ बनाया हमारे ये आज खाना, क्योंकि हमारे हो गई है गैस खत्म। हमारी गैस खत्म हो गई, तो गुड्डा दीदी ने चावल बना के दिए हैं। भाई ये पाइप पीछे उसमें बांध दे, तो अब हम खाना खाएंगे। अनमोल लगा रहा है पोछा, कपड़े धुल चुके हैं, अनमोल पोछा लगाएगा, लगा रहा है, लगाएगा नहीं, लगा रहा है। अनमोल मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये देखिए हमारी चटनी तैयार है और हमारे चावल तैयार है। देखिए किट्टू तो लग गई खा, ओ किट्टू ने तो सारे चावल बखेर दिए, देख मैं खिलाऊंगी रुक जा। हमारा सिलेंडर आ चुका है, 15-14 सिलेंडर तोल रहे हैं पापा,
तो आज सुबह से ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और थोड़ा सा बिजी थी। तो आज हमारे घर में छोटी सी नन्ही परी आ गई है। तो हमारे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो सिक निकलती है। सिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ गुड़ की भेली होती है, वो फोड़ी जाती है और सभी मोहल्ले में जो भी होते हैं आस पड़ोस सभी को बुलाया जाता है, परिवार को, सभी लेडीज़ों को। लेडीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले की काम होता है कि जितने भी जेंट्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं परिवार के आस पड़ोस के सभी और अपनी पूरी फैमिली, तो गुड़ की भेली फोड़ी जाती है। तो हमारे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं, तो वो कहते हैं वो उस गुड़ की भेली को फोड़ेंगे। तो जो भी परिवार में बच्चा होता है तो वो उनकी भेली वही फोड़ते हैं, तो फोड़ी जाएगी और सब में वो बांटी जाएगी और देसी घी और गुड़ दिया जाएगा सभी को और सभी बच्चों को पैसे दिए जाएंगे। छोटे बड़े बच्चे जो भी होंगे तो उनको पैसे बांटे जाएंगे। तो फिर बच्चों को फिर उस गुड़ से हमारे पत बोलते हैं जो गुड़ और मेवाओं से बनती है, पत बनाई जाएगी, आधे गुड़ की पत बनाई जाएगी, आधा गुड़ बांटा जाएगा। तो और कहते हैं फिर उस पत को हम खिलाएंगे, जच्चा होती है वंशा को खिलाएंगे, जिसके भी बच्चा होता है उसको खिलाई जाती है। और जो भी लेडीज आती है शाम को जब पत बनेगी तब फिर सभी लेडीज़ को बुलाया जाएगा, फिर सभी लेडीज़ आएंगी, वो पत खाएंगी और खुशी मनाते हैं बच्चे के आने की। तो यही खुशी का जरिया होता है हमारा मनाने का। तो यह हमारे होती है, ये रस्म है जो निभाई जाती है हमारे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो गुड़ की भेली फोड़ी जाती है। और ये एक खुशी का होता है कि प्रत्येक के हमारे घर में खुशी आई है और मिठाई की जगह गुड़ दिया जाता है कि हमारे घर में खुशी आई, सब मुँह मीठा कीजिए, तो सबका मुँह मीठा कराया जाता है गुड़ से। और छठी वाले दिन तो खैर होगा जो होगा, जो मैं आपको बताऊंगी छठी के दिन, जिस दिन छठी पूजी जाएगी उसकी, वो अलग मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए गाइस, तो नीचे तैयारी हो रही है, तो पापा बैठ गए हैं और आ रहे हमारे आस पड़ोस के, हमारी फैमिली के, और जो भी बड़े बूढ़े होते हैं वो भी आते हैं। वही ये काम होता है पंचों में होता है हमारे, तो पंचों में बैठ के की जाती है रस्म को, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है रस्म। चलिए गाइस, चलते हैं नीचे। देखिए गाइस, चौक पूरा जा रहा है यहाँ पर और हमारे ताऊ जी आ गए हैं जो बैठे हैं, और अभी सभी मोहल्ले में सबको बोल दिया गया है। Thank you.
अब नाश्ता आ गया हमारे पास, तो अब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, नाश्ता करेंगे। किट्टू बहुत किट्टू ने कर दी फेल कर दिया, तो ये देखिए पूरा काम सिस्टी के वाले करते हैं। तो अब हम चाची और सब कहेंगी लेडी से पत बनेगी अब शाम को, अभी हो रहे हैं सब अच्छे, तो 7:30 बजे पत बनाएंगे और सभी लेडीजों को बुलाया जाएगा, तो सबको पत खिलाई जाएगी। तो अभी मैं और पूजा यहाँ रख दे, यहीं रख दे, गाइस कहेंगे नहाने क्या कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। ला रहे ला रहे, बैठा तो दो, चले बैठा दो, बैठो भाई बैठो। आ रही कोई भी मैं घर गया था, पता नहीं आप कहाँ चले गए, नुकसान वाली बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं गुड़ बांटने के लिए, अपनी पूरी गली में मोहल्ले में जितना जिसके बटेगा वहाँ बांट कराएंगे। पूजा एक पूजा इस पे घी ऐसे डाल ले, घी बता रहे ऐसे, तो ऐसे क्या हम क्या कटोरी लेके जाएंगे, क्या मैं बस। तो चलिए गाइस तो गुड़ बांट कर आते हैं हम लोग। देना मम्मी, नहीं नहीं यहाँ बाथरूम में। गाइस शाम के 7:30 हो चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ पत, तो पत का ये सामान रखा हुआ है, इसमें मेवा वगैरह है, तो मैंने घी डाल दिया है, तो अब मैं बना रही हूँ पत, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने डाल दिए अजवाइन, टिकली वाले लगाना, मैं भी जरूर लगाना। लेकिन ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, तो मिलती हूँ आपसे पत बनाने के बाद। हमारी पत बन रही है, हमारी पत बन के हो गई है तैयार। ये देखिए कितनी मेवा वगैरह डाल रखी है हमने, तो अब ये हमारी देवी देवताओं के लिए निकाली जाएगी, और फिर ये अभी लेडी से आई नहीं है, तो अभी लेडी से आई नहीं है, तो जब आएंगी तो उनको ये खिलाई जाएगी, तो आने वाली है सब लेडी से। हाँ दीदी, अरे हटो बच्चों, ये तेरे बाबू आई है ना, पकड़ लिए बाबू आई है, ओ ये के बाबा के पास के हजार दिन से कर रहा है, ये तो कम नहीं है, ए कमी लाइयो ज्यादा ना लाइयो, ये बहुत बोले दीदी, आपको भेज दे रही, एक ले ले खा ले, अच्छी होगी खा लो, हाँ खा ले, मालिक भी होगी, तो
देखिए गाइस सब लेडीज़ चली गई है, जो हमने पत बनाई थी वो सब खा पी के सब चली गई है। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, खाने में बना रही हूँ भिंडी और रोटी, और अनमोल मेरी हेल्प करा रहा है। तो भिंडी काट दी है अनमोल ने और हमने लाली ने, और मैं प्याज काट रहा हूँ, मैं सब्ज़ी चौंकूँगी। तो चले गए तो सब्ज़ी बना के खाना वाना खाते हैं। तो आज का वीडियो यही तक का था। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी थी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मैं आज बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा आज प्रेशर था काम का, तो आज ज़्यादा थोड़ा मेहमान वहमान आ रहे थे, आने जाने वालों को, तो इसलिए थोड़ा काम बढ़ गया था, तो मैं थक चुकी हूँ। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में एक नई टाइटल से। तब तक लिए प्यार बाटी, खुशियाँ बाटी, अपना सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा, बाय बाय।